वेलकम बैक टू अर वीडियो। सो इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है डिस्कस करूंगा, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप लोग बार बार मेरे से पूछते हो कि भैया मेरे इतने परसेंटाइल है तो मेरे को NIT IIIT GFTI मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं इसमें आपको बताऊंगा कितने परसेंटाइल तक सारे कैटेगरी के लाइक जनरल EWS SC ST को कितने परसेंटाइल तक उनको एक NIT या IIIT एक GFTI मिल सकता है। ठीक है, मैं एक क्लोजिंग परसेंटाइल बताऊंगा, अगर आपके उतने परसेंटाइल हैं तो आप जोसा काउंसलिंग या CSB काउंसलिंग के बारे में सोच सकते हो, और अगर आप उतने परसेंटाइल के अंदर आते हो तो जरूर अपना आप हेल्प डेस्क जरूर ज्वाइन करिएगा, काउंसलिंग हेल्प डेस्क। आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप ज्वाइन करने के बाद सिंपली आसानी से आप मेरे द्वारा काउंसलिंग करा रहे होगे, काफ़ी अच्छे से आपको कॉलेज लिस्ट मिल रहा होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली ज्वाइन जरूर करिएगा। तो हम लोग बात करते हैं पहले जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपको एक NIT या IIIT चाहिए, मतलब कि लास्ट CSB राउंड तक, तो अगर आपके 88 के आसपास परसेंटाइल है, 88 के आसपास अगर परसेंटाइल होंगे तो डेफिनेटली आपको लास्ट राउंड तक जरूर एक NIT या IIIT मिल सकता है। लाइक NIT की बात करें तो लाइक NIT अगरतला, NIT मणिपुर, NIT श्रीनगर, जो नॉर्थ ईस्ट वाले हैं, मतलब लोअर NIT ही मिल रहा होगा। मैं एक क्लोजिंग परसेंटाइल और कटअप बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा जनरल कैटेगरी की। और वही अगर हम बात करें कि GFTI, तो GFTI तो यार लगभग आपके 8 लाख रैंक तक है, अगर आपका रैंक जो 8 लाख तक है तब भी आपको GFTI मिल सकता है। ठीक है, तो ये रहा GFTI का सीन। अब बात करते हैं हम लोग कि EWS के लिए, जनरल EWS। तो जनरल EWS में अगर आपके 86-87 के आसपास परसेंटाइल है, इतने तक हैं, तो आप डेफिनेटली आप जोसा काउंसलिंग CSB काउंसलिंग पार्टिसिपेट करो, आपको कुछ ना कुछ IIIT NIT मिल जाएगा नीचे के। ठीक है, और वही हम लोग बात करें GFTI की, तो GFTI में भी आपको 7-8 लाख रैंक तक आपको मिल जाएगा जनरल EWS में। ओके, अब बात करते हैं हम लोग कि OBC NCL। अगर आप OBC NCL हो, अगर आपके 85 प्लस परसेंटाइल है, तो डेफिनेटली आप जरूर पार्टिसिपेट करना, क्योंकि आपको एक IIIT में लोअर ब्रांच या NIT में लोअर ब्रांच जरूर से जरूर मिल जाएगा। ठीक है, ये मैं आपको फैक्ट्स प्रीवियस ईयर के डाटा के बेसिस से बता रहा हूँ, कोई ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली इस डाटा को कंसिडर करो। काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भैया बताइए कि कितने परसेंटाइल, कितने रैंक तक हमको किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो मैं इसमें आपको बता रहा हूं जोसा काउंसलिंग और CSB काउंसलिंग का। अब बात करते हैं SC ST। तो डेफिनेटली यार ST का कटअप जो होता है ना काफी नीचे जाता है, तो SC की बात करें तो अगर SC में अगर आपके 70 प्लस परसेंटाइल है, 70 मतलब कि क्लोजिंग रैंक की बात कर रहे हैं, 70 प्लस परसेंटाइल है, तो डेफिनेटली आपको एक NIT IIIT आराम से मिल जाएगा। और कहीं ना कहीं अगर आपका कुछ अच्छा होम स्टेट हुआ, लाइक पंजाब में हुआ या हिमाचल प्रदेश में या श्रीनगर में, लाइक असम में या जम्मू कश्मीर, तो डेफिनेटली आपको काफ़ी कम रैंक तक मिल रहा होगा, मतलब 6-5 लाख रैंक तक भी आपको मिल जाएगा। तो बात कर ली SC कैटेगरी की, लगभग 70 प्लस परसेंटाइल है तो आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए, और ST की बात करें तो 60-65 प्लस परसेंटाइल है, तो डेफिनेटली आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट हो जाएगा। ओके, तो ये रहा कंप्लीट सारा कुछ मैंने डिटेल में डिस्कस किया, OBC, जनरल EWS, जनरल कैटेगरी, SC ST। आई होप आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा होगा वीडियो और इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा, तो डेफिनेटली इसको शेयर जरूर करिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि यार आने वाले टाइम में काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज आपको मिलने वाले हैं काउंसलिंग से रिलेटेड। ओके, सो अगर आप काउंसलिंग हेल्प डेस्क नहीं ज्वाइन किए हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली जरूर ज्वाइन करिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।